कुछ दिन पहले पंचशील एनक्लेव में एक बुजुर्ग को रात को चाकुओं से मार डाला गया। उसके पहले नारायणा गांव में एक व्यक्ति को मार दिया, उसके 6 महीने पहले उसके भाई को मार दिया था। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे, हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और एक अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और एक शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं, 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरकेपुरम और जीडी गोयंका सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पंचशील एनक्लेव में एक बुजुर्ग को रात को चाकुओं से मार डाला गया। उसके पहले नारायणा गांव में एक व्यक्ति को मार दिया, उसके 6 महीने पहले उसके भाई को मार दिया था। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे, हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और एक अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और एक शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं, 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरकेपुरम और जीडी गोयंका सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं।
दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।